सोलन की सब्जी मंडी में मंडी कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। रोष प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में था। इस मौके पर एपीएमसी में कार्यरत कर्मचारियों ने कृषि अध्यादेश आढ़तियों कृषकों के लिए क्यों घातक है, इस बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन अध्यादेशों का एपीएमसी पे सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण एपीएमसी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ेगा और यहाँ तक कि कर्मचारियों को वेतन निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसके चलते और ना चाहते हुए भी एपीएमसी को बंद करना पड़ेगा। इसलिए वे चाहते हैं कि इस विधेयक को लागू नहीं किया जाना चाहिए। रोष व्यक्त करते हुए एपीएमसी कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि विधेयक पास किया गया है, जिसकी वजह से किसान कहीं भी अपनी फसल बेचने को स्वतंत्र हो जाएगा, वहीं आढ़ती भी स्वतंत्र हो जाएंगे और वे भी कहीं से भी अपना व्यापार कर पाएंगे, जिसके चलते मूल्यों का नियंत्रण नहीं रह पाएगा, जिसका दुष्प्रभाव जहाँ किसानों और आढ़तियों पर पड़ेगा, वहीं एपीएमसी की आय भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वे इस विधेयक पर पुनर्विचार करें, अन्यथा सभी कर्मचारी एकत्रित होकर विशाल रैली का आयोजन करेंगे और अपनी बात प्रदेश सरकार के समक्ष रखने पर मजबूर होंगे। मैं रमेश कुमार शर्मा, पूर्व प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं मंडी समिति कर्मचारी संघ, आज हमें दुख भी है और इस दुख में आज हमें सभी कर्मचारियों को लेकर इकट्ठा होना पड़ा है, क्योंकि जैसा सर्वविदित है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि जो विधेयक बिल पास किया गया है, उसमें जैसा हमें प्रतीत हुआ है कि उसमें किसान अपना उत्पाद बेचने के लिए कहीं भी स्वतंत्र है और इसमें खरीददार भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाकर किसानों के उत्पाद खरीद सकते हैं। इससे मंडी समितियों के अस्तित्व पर गहरे बादल मंडराने की आशंका है, क्योंकि मंडी समिति में जो दुकानें आढ़तियों के लाभ के लिए बनाई गई है और जो वो हमें मार्केट फीस देते हैं, जब वो उत्पादों को खरीदने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे तो मंडी समितियों में कोई भी आढ़ती काम करने के लिए इच्छुक नहीं होगा, क्योंकि आढ़ती क्यों चाहेगा कि उसे मार्केट फीस देनी पड़े, उसे मंडी समिति की दुकानों का किराया देना पड़े। और सबसे जो इसमें अहम बात है कि जिस प्रकार बोला जा रहा है कि यह जो बिल है ये किसानों के हित में है, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि मंडी समितियों में आज इतना कंपटीशन है कि किसान आता है घर पर, फ़ोन के माध्यम से ही वो जान लेता है कि मंडी में आज टमाटर का क्या भाव है, शिमला मिर्च का क्या भाव है और अन्य सब्जियों का क्या भाव है। किंतु जब मंडी समितियां नहीं रहेगी या मंडी समितियों के जो तहत अंतर्गत आढ़ती काम नहीं कर पाएंगे तो किसानों को वो भाव बताने वाला कौन रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो इसमें बड़ी बड़ी फर्में जो आएंगी वो अपने मनमाने दामों पर किसानों के उत्पाद खरीदेगी, जिससे कहीं ना कहीं किसान ठगा जा सकता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यतर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से, कि वो बिल इस विधेयक को पास करने से पूर्व इसमें यदि पुनर्विचार किया जाए तो वो सब कर्मचारियों के, किसानों के, बागवानों के तथा आढ़तियों के हित में होगा, अन्यथा फिर कर्मचारी संघ इसमें एक विशाल रैली के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, मतलब स्टेट स्तर पर अनुरोध करेगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए।